ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में, इस क्लास में समझने वाले हैं पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में, कौन कौन से होते हैं और क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस की जो परिभाषा है वो आप अंडरलाइन करो या लिख लो कि GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये तो इसका पूरा नाम है, ये आगे चल के भी आएगा, आपको अभी यहीं पे अंडरलाइन कर लेना है, याद कर लेना है। ये बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाते हैं और ये कर्सर की स्थिति बताने के लिए यूज में लिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में आप बताऊं तो माउस का जो तीर का निशान है ना, उसकी स्थिति को बताने के लिए जिस जिस का यूज किया जाता है वो पॉइंटिंग डिवाइस में आएगा। ठीक है, कौन कौन से होते हैं पॉइंटिंग डिवाइस ये आप लोग देखो। माउस है पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बोर्ड पॉइंटिंग डिवाइस है, टच पैड पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बोर्ड पॉइंटिंग डिवाइस है, ग्राफिक्स टैबलेट, जॉयस्टिक और टच स्क्रीन, ये सारे के सारे किस में आते हैं पॉइंटिंग डिवाइस में। सबका यही काम है, जैसे माउस का तीर का निशान काम करता है उस तरीके से ही ये काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं माउस देख लेते हैं। क्या देखते हैं? माउस। देखो माउस समझने के लिए आपको मैं वैसे ही समझाता हूँ, आप देखो इसमें समझ लेना। जो माउस होता है ये आप हमारे पास में नए टाइप का है, नए माउस है, माउस इस टाइप से होता है। इसमें माउस के अंदर दो बटन होते हैं, इस समय का जो माउस उसमें तीन बटन है, लेफ्ट क्लिक बटन, राइट क्लिक बटन और उसमें देख सकते हो वहां पे रखा हुआ है ना, देखो लेफ्ट क्लिक बटन है, एक राइट क्लिक बटन है और एक स्क्रॉल बटन है, तीन बटन है इसके अंदर। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक लाइट वाला बटन है, इसके अंदर लाइट आती है लाल कलर वाली, है ना। तो लाइट के कारण इसको ऑप्टिकल माउस बोला जाता है। ऑप्टो शब्द साइंस का है, एक ऑप्टो मतलब प्रकाश से होता है, तो लाइट इसको ऑप्टिकल माउस कहते हैं पहली चीज। तो दूसरा, ये तीन बटन है लेकिन इससे पारंपरिक माउस थे, इससे पहले जो माउस आते थे पुराने जमाने में उसमें क्या क्या था वो समझ लो। उसमें था एक बॉल होती थी नीचे की तरफ, पहली चीज, ठीक है, और उसके अंदर बटन कितनी होती थी, दो होती थी ना कि तीन। और एक ऐसा माउस भी है जो सिर्फ एक बटन का आता है, उसे क्या कहते हैं, वो है मैकिंटोस का माउस। कौन सा है? मैकिंटोस का माउस है, ठीक है। तो आपको बस इतनी चीज ध्यान रखनी है कि पुराने और पुराने समय माउस के अंदर क्या क्या होता था, बॉल होती थी, रोलर्स थे उसके अंदर और वो दो बटन वाला था। आजकल जो माउस है तीन बटन वाला है और बीच वाला जो बटन है उसको स्क्रोल बोलते हैं, व्हील बोलते हैं, हिंदी में पहिया बोलते हैं इसको, क्लियर। लेफ्ट राइट क्लिक बटन है और इसको कनेक्ट करने के लिए जो आजकल के जितने भी माउस आ रहे हैं ना वो पता है क्या है, USB टाइप के होते हैं। अगर यहाँ पे इस तरीके से तार है इसमें तो क्या कहलाएगा, USB। अगर इसमें तार नहीं है तो ये वायरलेस टाइप का होता है। और इसके बाद में यदि माउस में ये वाले पहले और टाइप के आते थे गोल टाइप का होता तो वो PS2 टाइप का है। कैसे है? PS2 टाइप का। अलग अलग टाइप के हैं, कनेक्टर के हिसाब से आते हैं, क्लियर। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चीज देखते हैं। तो ये हमारा माउस है, माउस हम लोगों ने किया है पूरा, आप सारी चीजें देख लो। इसके बाद में नेक्स्ट आता है टच पैड। एक माउस होता है टच पैड, पॉइंटिंग डिवाइस है ये। क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है टच पैड। टच पैड पता है कौन सा वाला होता है? लैपटॉप पे जो एक होता है ना माउस होता है वो टच पैड माउस होता है, क्लियर। लैपटॉप का माउस टच पैड माउस कहलाएगा। आप इसके लिए सिर्फ एक चीज अंडरलाइन कर लो कि आजकल अधिकांश लैपटॉप कंप्यूटर में टच पैड पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, ठीक है। और इसमें जो अक्सर पूछा जाता है, इस तरीके से पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जिसकी पैड पर या सतह पर उंगली को फिसलाकर और फिसलाकर स्क्रीन पर कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता है, वो क्या कहलाता है? तो होता है टच पैड, ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस। नेक्स्ट आता है ट्रैक पॉइंट। ट्रैक पॉइंट भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। और ये क्या है, आपको याद रखना है सिर्फ इसमें एक छोटी सी चीज, IBM थिंक पैड जिसमें टच पैड के लिए जगह नहीं थी तो उन्होंने कीबोर्ड के अंदर एक ट्रैक पॉइंट दिया था जो एक छोटी सी रबर प्रोजेक्शन कीबोर्ड की के बीच में एम्बेडेड होता है। आप सिंपल सा ऐसे समझ सकते हो कि मेरे पास में जैसे एक कीबोर्ड है, क्या है?